प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 10 मई 2021 के बाइबल पाठ, अर्थात पास्का काल का छठा सप्ताह का सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 11 से 15 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। त्रोवस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रसिया, दूसरे दिन नेवापोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और हम उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 26 से लेकर अध्याय 16 के पद संख्याएं 4 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो, वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त ने स्वर्गारोहण से पूर्व अपने शिष्यों से कहा था, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अतः पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है वे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करें।
संत पापा फ्रांसिस अपने दस्तावेज एवेंजेली गाउडियम नामक किताब में क्रम संख्या 275 से लेकर 280 तक में पुनर्जीवित प्रभु येसु मसीह और उनकी आत्मा के रहस्यात्मक कार्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि हम सोचते हैं कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम याद करें कि प्रभु येसु मसीह ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई और अब वह सर्वशक्तिमान है। प्रभु येसु वास्तव में जीवित हैं, अथवा हम अन्य प्रकार से कहें तो जैसे कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे होते तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। शुभ सुसमाचार कहता है कि जब प्रथम शिष्य उपदेश देने चले तब प्रभु उनकी सहायता करते रहे और उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यही आजकल हो रहा है। हमें आमंत्रित किया जा रहा है कि हम इसे खोजें और इसका अनुभव करें। पुनर्जीवित और महिमान्वित प्रभु येसु मसीह हमारी आशा का स्रोत हैं और जो मिशन उन्होंने सौंपा है उसे कार्यान्वित करने में हमें जिस सहायता की आवश्यकता है उससे वह हमें वंचित नहीं करेंगे। संत पापा आगे कहते हैं कि प्रभु येसु मसीह का पुनरुत्थान एक अतीत की घटना नहीं है, उसमें एक जीवनदायी शक्ति समाविष्ट है जो समस्त संसार में व्याप्त है। जहां सब कुछ मृत प्राय नजर आता है, सहसा पुनरुत्थान के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। यह एक अप्रतिरोध्य शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, चारों ओर निरंतर अन्याय, बुराई, उपेक्षा, उदासीनता, क्रूरता और कठोरता नजर आती है। परंतु यह भी सच है कि अंधकार के बीच में भी कुछ नया फूट निकलता है जो जल्दी या देरी से फल उत्पन्न करता है। कटी पिटी भूति से जीवन फूट निकलता है और इतनी हठ धार्मिकता के साथ प्रकट होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। चाहे सब कुछ कितना ही अंधकारमय हो गया हो, भलाई हमेशा प्रकट होती है और फिर फैलती जाती है। हमारे संसार में प्रत्येक दिन सौंदर्य एक नए रूप में प्रकट होता है और इतिहास के तूफानों के बीच रूपांतरित होकर बढ़ता ही जाता है। मूल्य और मान्यताएं नए नए रूपों में प्रकट होती रहती हैं और मानव बार बार ऐसी परिस्थितियों के बीच उठ खड़ा हुआ है जो सर्वनाश के समान प्रतीत होती थी। पुनरुत्थान का सामर्थ्य ऐसी ही है और वे सभी जो शुभ समाचार का प्रचार करते हैं इस सामर्थ्य के साधन है। आगे पैराग्राफ नंबर 278 में पोप फ्रांसिस कहते हैं कि विश्वास या आस्था का अर्थ यह भी है कि हम परमेश्वर में विश्वास रखें, यह विश्वास करें कि वह वास्तव में हमें प्यार करता है, वह जीवित है, वह रहस्यमय ढंग से दखल दे सकता है, वह कभी हमारा परित्याग नहीं करता और वह अपनी शक्ति और असीम रचनात्मकता द्वारा बुराई से भलाई उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर उनके साथ जो बुलाए गए हैं।
कृपा पात्र और ईमानदार हैं। अतः संत पापा हमसे आग्रह करते हुए कहते हैं कि आइए हम शुभ समाचार में विश्वास करें। जब वहाँ यह कहा गया है कि परमेश्वर का राज्य अब भी संसार में विद्यमान है और यहाँ वहाँ विभिन्न रूपों में विकसित तो हो रहा है, उस छोटे से बीज की भांति जो बढ़कर एक पेड़ बन जाता है, उस खमीर के समान है जो सारे आटे को खमीर बना देता है, और उस अच्छे बीज के समान है जो जंगली बीजों के बीच बढ़ता रहता है और हमें सदैव सुखद रूप से चकित कर सकता है। आगे संत पापा कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के लिए किया गया कोई एक भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं होगा। उदारता से किया गया कोई प्रयास निरर्थक नहीं होता और न ही पीड़ा को सहन करने की क्षमता कभी बेकार जाती है। ये सभी एक जीवनदायी शक्ति के समान हमारे संसार को घेरे हुए हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा कार्य विफल है, परंतु मिशन कोई व्यापारिक सौदा नहीं है, न ही किसी प्रकार का निवेश या कोई लोकोपरि कार्य। आगे संत पापा कहते हैं कि पवित्र आत्मा वही करता है जैसा वह चाहता है, जब वह चाहता है और जहां वह चाहता है। हम स्वयं को सौंप देते हैं बिना कोई ढोंग के। हमें महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। हम हमारी रचनात्मकता और प्रतिबद्धता के मध्य पिता की बाहों की कोमलता में आराम करने के लिए सीखें। आइए हम आगे बढ़ते रहें, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दें, यह मानकर कि उचित समय में हमारे प्रयास फलदायक होंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, संत पापा एवंजेली गौडियम पैराग्राफ नंबर 280 में कहते हैं, अपने मिशनरी उत्साह को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा में हमारा विश्वास दृढ़ हो, क्योंकि यह यही है जो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। परंतु इस उदार विश्वास को परिपोषित करना होगा। अतः आवश्यक है कि हम निरंतर पवित्र आत्मा से याचना करते रहें। जो कुछ हमारे मिशनरी उत्साह को शिथिल बना देता है, उसे पवित्र आत्मा ही सुधार सकता है। यह सच है कि अदृश्य में ऐसा विश्वास हमें दिशा ही निकल सकता है। यह ऐसा है मानो हमने गहराई में छलांग लगाई है, बिना यह जाने कि वहां क्या मिलेगा। संत पापा कहते हैं कि मैंने स्वयं कई बार ऐसा अनुभव किया है, फिर भी इससे बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं कि आप पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें। योजनाएं तथा सब कुछ पर विस्तृत नियंत्रण रखने की सभी प्रयासों को त्याग दें और इसके स्थान पर पवित्र आत्मा आपको प्रबुद्ध करे, आपका मार्गदर्शन करे, आपको निर्देशित करे और जहां भी चाहे आपको ले जाए। पवित्र आत्मा भली प्रकार जानता है कि प्रत्येक समय और स्थान की क्या आवश्यकता है। रहस्यमय रूप से फलदायक होने का यही अर्थ है। प्यारे भाइयों बहनों, संत पापा फ्रांसिस के इन वचनों पर मनन करें और देखने का प्रयास करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने जो मिशन कार्य हमें सौंपा है किस प्रकार से कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने जो वादा किया है, अर्थात पवित्र आत्मा के वरदान देने की जो प्रतिज्ञा की है, हमें पवित्र आत्मा के सभी कृपादानों से विभूषित करे, ताकि हम पवित्र आत्मा के सहयोग
एवं प्रेरिताय के अनुरूप जीवन यापन करे और प्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सके। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।